वालेकुम टू एवरीवन। तो एक बड़ी अपडेट आ रही है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से, जो डेट्स है वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए, एएनएम जीएनएम एडमिशन के लिए। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, और आपके लिए एक बड़ी अपडेट ये भी है कि जेके बोपी का जो सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग है अभी वो कब तक आ जाएगा, इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए काउंसलिंग चली थी पहले, उसमें आपने प्रेफरेंस वगैरह दी थी, लेकिन अभी तक आपका सिलेक्शन लिस्ट नहीं आया है। तो यहाँ से एक नोटिफिकेशन आज रिलीज़ कर दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल द नर्सिंग प्रोग्राम्स रजिस्ट्रेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से, तो आप डेट भी यहां से देख सकते हो, आज ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है। इसमें लिखा गया है कि जो बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जीएनएम एएनएम एमएससी या पोस्ट डिप्लोमा, जो भी कोर्स आपको करना है, इनका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर और 31 सितंबर तक। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि इससे आपको क्या पता चल जाता है, इससे आपको ये पता चल जाता है कि जो आपका मेरिट लिस्ट है या सिलेक्शन लिस्ट जिसको हम कहते हैं जेके बोपी का, वो 31 से पहले ही आ जाएगा। तो मैंने इसकी रिगार्डिंग पहले भी बात की थी जेके बोपी ऑफिशियल से, उन्होंने मुझे पहले ही बोला कि जो आपका सिलेक्शन लिस्ट है यह तो वो कल आ जाएगा, आपका सिलेक्शन लिस्ट अगले वीक में कन्फर्म आ जाएगा, तो आप 30 तक वेट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ 30 से पहले ही कन्फर्म आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। फिर आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस रहेगा उसके लिए भी डेट्स आपको दिए जाएंगे। बाद में बता दूँ कि आपका सेकंड राउंड भी हो जाएगा, और इसमें फिर फर्दर एक्सटेंड भी कर दिया जाता है डेट्स को आईएनसी की तरफ से, और फिर एक्सटेंशन भी मांगते हैं जेके बोपी वाले। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जल्दी आ जाएगा, 31 से पहले ही आ जाएगा, आपको आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका जो डेट है वो फिर एक्सटेंड होता है, और इसके लिए सेकंड राउंड थर्ड राउंड हो जाता है। अगर थर्ड राउंड नहीं होगा, लेकिन कम से कम सेकंड राउंड कन्फर्म हो जाएगा, और वो ऑफलाइन रहेगा वो राउंड। वीडियो में यही एक अपडेट देनी थी आपकी सिलेक्शन लिस्ट के रिलेटेड। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज की थी कि सिलेक्शन लिस्ट कब आएगा जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए, तो मैं आपको बता दूं 30 से पहले ही आ जाएगा। बाकी ज़्यादा जो चांस है वो कल है, कल शाम तक आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। अगर कल नहीं आया तो अगले वीक में कन्फर्म आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों तक। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।